हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं से प्रोफेसर संजय सिंह आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19 के बारे में, यानी होम्योपैथी में जो बायो कॉम्बिनेशंस आते हैं जो एक से लेके 28 नंबर तक आते हैं, उनमें से जो 19 नंबर की यानी 19 नंबर की दवा होती है जो कि जॉइंट और मसल्स पेन में बहुत अच्छे से काम आती है। तो मैं आज उसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, किस तरह के दर्द में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या लक्षण मिलने पे आप इसको यूज कर सकते हैं, कितनी डोजेज लेनी है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, प्राइजिंग क्या होती है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19 के बारे में। जो दवा होती है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, कहीं भी आपको जॉइंट में या फिर मसल्स में दर्द हो रहा हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी कोई जोड़ों में दर्द होता है या फिर मसल्स में आपके दर्द होता है, चाहे इन्फ्लेमेटरी रीजन हो या फिर आपको इन जनरल ही पेन हो रहा हो, दोनों ही कंडीशंस में दवा अच्छे से काम आती है। अगर आपको जॉइंट में यानी जोड़ों में दर्द रहता है, दर्द का वजह चाहे गाउट हो, गठिया हो, बाई हो, या फिर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है क्योंकि आपको चोट लग गई है, हर केस में दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा अगर आपको मसल में दर्द हो रहा है, मसल पेन है, मांसपेशियों में दर्द है बिकॉज मांसपेशी में खिंचाव आ गया है, स्टिफनेस हो रही है, अकड़न आ गई है, कहीं भी आप ऊपर से कुछ सामान उतार रहे थे आपके गर्दन में अकड़न आ जाए, स्टिफ हो जाए गर्दन, या फिर आपको सोते सोते रात में गलत पोजीशन में आप सो गए, सुबह में उठते हैं गर्दन अकड़ी हुई है, तो उन सारे केसेस में दवा अच्छे से काम आती है। मसल्स में पेन हो रहा हो आपको, चाहे बुखार की वजह से हो रहा हो, इन्फ्लेमेटरी हो रहा हो, या फिर आपको गठिया बाई इन सब की वजह से जोड़ों के साथ साथ मसल्स में पेन हो रहा हो, तो उन सारे केसेस में दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा अगर आपको मांसपेशियों में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, आपको क्रैम्प्स बहुत आते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, उसमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। अगर आपको राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने के बाद आपको हाथों में क्रैम्प्स आता है, प्लेयर्स क्रैम्प है, कुछ भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके बाद आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। इसके साथ साथ ये दवा जो होती है वो लम्बेगो यानी आपको बैकएक की प्रॉब्लम है या फिर सैटिका की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको कमर से लेकर नीचे पूरा पैरों तक दर्द होता है, उन दोनों केसेस में भी अच्छे से काम आती है। बहुत यूजफुल दवा होती है, बहुत अच्छे से काम आती है। जनरल अगर आपको जॉइंट में पेन है, मसल्स में पेन है, स्टिफनेस है, अकड़न है, उसके साथ साथ क्रैम्प्स हैं, झंझनाहट है, तो उस सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 4 होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूडेड हैं, जिसमें है फेरम फॉस, मैक फॉस, काली सल्फ और नाइट्रम सल्फ। ये चारों मेडिसिन 3X फॉर्म में इसमें इंक्लूडेड हैं और ये दवा जो होती है टैबलेट फॉर्म में आती है। आपको पानी के साथ या किसी और चीज़ के साथ नहीं लेना होता, जस्ट आपको टैबलेट जो है च्यू करके खाना होता है, ईजिली डिजॉल्व हो जाती है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप दवा ले रहे हैं तो दवा लेने से 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। डोजेस की बात करें तो अगर आप एडल्ट हैं तो आप इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो आप बच्चों को 2-2 गोलियां दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। बहुत ही यूजफुल दवा होती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन, मसल पेन इनकी, तो आप ले सकते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करती है और क्रोनिक प्रॉब्लम में भी अच्छा काम करती है। अगर आपका कोई और मेडिसिन चल रहा है उसके साथ भी आप ले सकते हैं, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आप 1 घंटे के गैप में ले सकते हैं, या फिर कोई अदर होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके साथ भी आप थोड़ा सा गैप करके इस दवा को ले सकते हैं। बहुत ही यूजफुल दवा होती है, इसमें जो भी मेडिसिन इंक्लूडेड है वो सारी काम आती है, शोल्डर पेन, नेक पेन, और जो इन पेन के साथ साथ आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है, फटीग होता है, उसको भी ख़त्म करने में बहुत यूजफुल होती है। प्राइजिंग की बात करें तो इसका जो SBL का आता है 25 ग्राम का पैक, वो आपको 90-95 अराउंड मिल जाता है, और जो डॉक्टर रेगबेक का आता है वो आपको 170-175 अराउंड मिलता है 20 ग्राम का पैक। आपके नियरेस्ट होम्योपैथिक स्टोर पर बहुत ईजिली अवेलेबल होगा, तो आप कहीं से भी इसको बाय कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19 के बारे में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।